दोस्तों ओवल में कोहली ने कटाई नाक तो जूनियर विराट ने नामीबिया में मचाया तहलका। 377 रन ठोककर भारत को जिताई वनडे सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को दिल से एक लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रविवार को टीम इंडिया WTC फाइनल 2023 का टूर्नामेंट गंवा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर विदेश में एक युवा भारतीय बल्लेबाज भारत का नाम रोशन कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ विराट कोहली अपनी नाक कटा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर विराट देश की लाज बचा रहा था। इस युवा बल्लेबाज की बदौलत ही टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज में दोस्तों 3-2 से जीत मिल पाई। ये मुकाबला था नामीबिया बनाम कर्नाटक के बीच, जहां जूनियर विराट निकिन जोश की 377 रनों की पारी की बदौलत कर्नाटक को जीत हासिल हुई। जूनियर विराट ने कर्नाटक को दिलाई जीत। रविवार को नामीबिया और कर्नाटक के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बांडरस क्रिकेट ग्राउंड विंडहॉक में खेला गया, जहां नामीबिया को 5 विकेट से जीत मिली। हालांकि इस सीरीज को कर्नाटक ने 3-2 से अपने नाम किया। कर्नाटक को ये सीरीज जिताने में जूनियर विराट निखिल जोश का अहम योगदान रहा। निखिल जोश ने पूरी सीरीज में 377 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 शतक भी शामिल हैं दोस्तों। उन्होंने दूसरे वनडे में 109 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 103 रन की पारी खेली थी, तो वहीं तीसरे वनडे में जोश ने 91 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली थी। साथ ही आखिरी वनडे में जूनियर विराट ने 55 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 61 रन की पारी खेली। आखिरी मैच में नामीबिया को जीत मिली। जैसा कि आपको पता है कि इस मैच के आखिरी मुकाबले में नामीबिया को जीत मिली। टॉस जीतकर नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक ने 48.1 ओवर में 231 रनों पर ढेर हो गई। इसके जवाब में नामीबिया ने 39.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए। कर्नाटक की तरफ से किशन बेदारे और निखिल जोश ने बड़ी पारी खेली। बेदारे ने 68 गेंदों में 5 चौके की मदद से 43 रन की पारी खेली, तो वहीं जोश ने 55 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 61 रनों की पारी खेली। तो वहीं नामीबिया की तरफ से स्टीफन वार्ड, माइकल बेनलिंगन और गेरहार्ड इरास्मस ने अर्धशतकीय पारी खेली। वार्ड ने 60 गेंदों में 8 चौके की मदद से 59 रन बनाए। केन लिंगन ने 59 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 56 रन बनाए, जबकि इरास्मस ने 52 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 59 रन की पारी खेली। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों कर्नाटक ने नामीबिया को वनडे सीरीज में 3-2 से हरा दिया और देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों आपको क्या कहना है जूनियर विराट के बारे में? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।